खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं। दरअसल मैनपुर नवामुडा तेंदुपत्ता गोदाम में नक्सलियों ने आग लगाई है। लगभग 15,000 तेंदुपत्ते बोरे जलकर नष्ट हो गए हैं। नवामुडा गोदाम मैनपुर से 3 किलोमीटर आगे नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी लगाए। 3 चौकीदारों को बंधक बनाया गया। आग बुझाने मौके पर गरियाबंद राजिम की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने पुलिस, नागरिक और जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक MR आहिरी मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, नक्सलियों द्वारा तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगाने की घटना सामने आई है और 15,000 तेंदुपत्ता बोरे जलकर नष्ट हो गए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी इस बीच लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत करता पुरुषोत्तम बात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, नक्सलियों द्वारा आग की घटना घटित की गई, क्या फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, क्या हालात वहां बने हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मैनपुर विकासखंड मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर है वन विभाग का गोदाम, जिसको तेंदुपत्ता संग्रहण गोदाम कहते हैं। इसमें तीन गोदाम है, तीन अलग अलग गोदाम थे, लेकिन नक्सलियों ने 3 नंबर गोदाम को निशाना बनाया। जिस तरह से चौकीदार जिस तरह से पुलिस को बयान देकर बताया, उसके मुताबिक जो है ये करीब 3:30 बजे तड़के 18 से 20 की संख्या में ये लोग आए हुए थे। और ये सारे लोग जो है, जिनकी पहचान जो है पुलिस जो है मैनपुर डिवीजन में जो सक्रिय है, मिलिट्री दलम के रूप में इसका किया गया है, और इन्होंने आग के हवाले कर दिया, जिसकी सूचना जो है वन अधिकारियों को देने के बाद पुलिस भी पहुंची और फायर ब्रिगेड भी पहुंची। लेकिन 15,000 मानक बोरा जो है सुबेरे 7:30 से 8 बजे के बीच जलकर पूरी तरह से खाक हो गया था, जिसको शासन को करीब 15 करोड़ रुपए, सॉरी 1.5 करोड़ रुपए सर, इसमें पूरे घटना में नुकसान हुआ है और पुलिस जो है मामले में सर्चिंग तेज कर दिया है। जी, क्या पुलिस प्रशासन मौके पर वक्त पर पहुंचा और कौन कौन वहां पर पहुंचा? जी, निश्चित तौर पर जैसे घटना की जो वारदात जो है वो नक्सलियों ने जो है चौकीदार को बंधक बनाकर दिया था। किसी तरह आग लगाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद किसी तरह बंधक बने जो चौकीदार है वो अपने आप को मुक्त करवा सके, और उसकी सूचना करीब 5:30 से 6 बजे अधिकारियों को दी गई। और इस तरह से पुलिस अमला और फायर ब्रिगेड पहुंचने तक वहां 6 बज गया था, और क्योंकि पत्थर सूखे पत्ते थे और वो जब आग की चिंगारी वहां डाली गई तो आग जो है भरभरा कर लग चुकी थी। यानी कि किसी भी तरीके से वहाँ पे पुलिस ने तो पूरी प्रयास किया था, लेकिन जो है जो आग बुझाने में पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों ही नाकाम रहे, क्योंकि सूखे पत्ते थे और पुलिस तरफ से आग लग गया था। जब मामले में हमने SP से बात किया तो निश्चित तौर पर ये बात जो निकल के सामने आ रही है कि जो मैनपुर डिवीजन होता था नक्सलियों के लिए काफी एक क्रिमलेयर एरिया कहा जा सकता था, और अक्सर जो है तेंदुपत्ता संग्रहण के दरमियान मोटी रकम जो है नक्सली वसूलते थे। लेकिन इस बार जो है पुलिस चारों तरफ से चाक चौबन्ना थी और पूरी तरह से घेराबंदी किया हुआ था, जागरूकता अभियान भी चला रही थी, जिसके कारण जो है इस बार लेवी की वसूली नहीं हो सकी, और उसी के खींच का परिणाम है कि जो है 1.5 करोड़ रुपए के सूखे पत्ते को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम।